वेलकम गाइज, MPMcast चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए MPMcast चैनल को और पाइए मध्य प्रदेश नर्सिंग के A to Z जानकारी। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग वालों के लिए सेकंड राउंड थर्ड राउंड में किन किन का सिलेक्शन होने वाला है या फिर इनके लिए टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है और यहाँ पर कौन स्टूडेंट एलिजिबल है सेकंड राउंड के लिए, थर्ड राउंड के लिए और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे स्टूडेंट के मन में, सर हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमारे इतने नंबर है, हमारे 60% या फिर 55 मार्किंग है तो हमारा क्या होगा। तो चलिए विस्तार से फुल डिटेल के साथ डिस्कस कर ही लेते हैं आज, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो इन लाइक्स को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि पूरी चाहे कितना भी टाइम लग जाए बट फुल डिटेल में जानकारी आपको देनी है, क्योंकि आपके करियर का मामला है, आपके फ्यूचर का मामला है। और जब तक आप लाइक करते रहोगे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, आपसे हमें बस लाइक ही चाहिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जैसे कि अगर जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं लिया है तो क्या वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट ले सकता है, क्या आपको सेकेंड राउंड के लिए अलग से पेमेंट देना होगा, सेकेंड राउंड में भाग लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ हम बताएंगे और आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है कि क्या आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, कहाँ पर कितनी सीटें खाली है वो भी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। फर्स्ट राउंड होने के बाद जो भी खाली सीटें बची है उसका भी पूरा वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इम्पोर्टेंट डेट तो आपको पता है सही, बट उससे सबसे महत्वपूर्ण है सीटें जानना कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली है। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट, ये तो एलिजिबल वाला हो गया और ये वेकेंट सीट का हो गया, तो इसको देख लेते हैं गाइस, ठीक है, कहाँ पर कितनी सीटें खाली है और आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं वो भी हम देखेंगे। ये लीजिए गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज भोपाल, यहाँ पर कितनी सीटें खाली है देख लो, 25 सीटें यहाँ पर वेकेंट है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, अनरिजर्व्ड के लिए कितना, SST वालों के लिए कितना, OBC वालों के लिए कितना, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है गाइज, ये देखिए, ठीक है। अगला जो है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर, यहाँ पर कितनी सीटें खाली है BSc नर्सिंग कोर्स के लिए, वेकेंट सीटें 25, अनरिजर्व्ड वालों के लिए 7, SST में कितना दे रखा है वो भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, ये देखिए ST के लिए 1, SC के लिए 4, OBC वालों के लिए 7, ठीक है, EWS वालों के लिए 1, ओके। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज इंदौर, यहाँ पर कितनी सीटें, 43 सीटें यहाँ पर वेकेंट है अभी फर्स्ट राउंड होने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पर 43 है और किसके लिए कितना है वो भी देख लो, ST के लिए 6 है और SC के लिए 7 है और EWS वालों के लिए 1 है, ओके। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जबलपुर, टोटल वेकेंट सीट है 29, ठीक है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना वो भी देख लेते हैं, ओके गाइज, अच्छी बात है आपके लिए, सभी का जवाब आपको मिलेगा, बस आपको वीडियो पूरा देखना है, सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा गारंटेड, ठीक है, बट ध्यान से देखना, पूरा फोकस यहीं पर रखना गाइज आपको वीडियो में। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रेवा की बात करें तो यहाँ पर कितनी सीटें, 12 सीटें वेकेंट है, अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पर 5 और ST वालों के लिए 3 एंड SC वालों के लिए 2, OBC वालों के लिए 2, ओके क्लियर है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सागर, तो यहाँ पर कितने, 21 सीटें वेकेंट है, अच्छी खासी सीटें वेकेंट है गाइज, सबका सिलेक्शन होने को लग रहा है मेरे को, जिनके अच्छी खासी मिडल में नंबर है ना तो ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, मिडल में ना, उनका भी आ सकता है। और अभी तो थर्ड राउंड का भी ऑप्शन है अगर खाली रही तो, ये सेकंड राउंड में अगर कोई भी सीट वेकेंट रह जाती है तो थर्ड राउंड भी होगा। जब तक MPMcast चैनल आपके साथ है तो फिक्र की छोड़ो बात, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अनरिजर्व वालों के लिए 7 यहाँ पर दे रखा है और SC वालों के लिए 4 यहाँ पर दे रखा है। टोटल की बात करें तो गाइस टोटल कुल मिला के 155 सीटें वेकेंट है, 155 सीटें खाली है गाइस अभी, तो अच्छी बात है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी, अनरिजर्व वालों के लिए 49,
एसटी के लिए 34 और एससी वालों के लिए 20 और ओबीसी में 34, काफ़ी सारी सीटें एडब्ल्यूएस में 9, इतनी सारी सीटें वेकांट है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिमेनिंग वेकांट मॉपअप राउंड बीएससी नर्सिंग 2020, ठीक है, पूरे डेट दिखा के तो कहाँ पर कितनी सीटें खाली है ये तो आपका क्लियर हो गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे कि कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पर योग्य है काउंसलिंग करवाने के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। सो गाइज, आप काउंसलिंग कराने के लिए एलिजिबल हो या नहीं ये देख लो, लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर नर्सिंग कोर्स मॉपअप राउंड जो अभी होगा ना उसके लिए, तो देख लो। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे पीबी रैंक जिसकी 3168 है ना, महिमा जी, ठीक है। तो इनका है ये एमपी डोमिसाइल, तो यहाँ पर यस है, इनके टोटल मार्किंग है 150 में से देख सकते हो 79.53, ठीक है, तो ये एलिजिबल है इसके लिए। अगला आप देख सकते हो जिनकी पीबी रैंक यहाँ पर आप देख सकते हो 645 है, प्रीति जी तिवारी, ठीक है, तो ये भी एलिजिबल है जिनके 74 मार्किंग है, अच्छी बात है। तो इसी प्रकार आपको भी अपना नाम यहाँ पर ढूंढना होगा गैज, जैसे कि नंबर 3 सपना जी हो गया, ठीक है, नंदिता हो गया, पूजा हो गया, काफ़ी सारे नाम हैं जो ये एलिजिबल है सेकेंड राउंड के लिए, और इनके नंबरिंग भी बहुत अच्छी है। ये अरेंजी उसी हिसाब से किया हुआ है, जिनके नंबरिंग सबसे ज़्यादा है उनको ऊपर, जिनके थोड़ा सा भी पॉइंटों में कम है उनको थोड़ा नीचे, जिसके और कम है तो उनको नीचे, तो ये बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया है इनको अरेंज करने का। तो आपको भी यहाँ से ढूंढते रहना है, अगर आपको नंबरिंग बताए तो नंबरिंग देख लेना पहले, जैसे कि किसी को पता है कि मेरे 670 है तो 70 वाली रो में आ जाना, और उसके बाद अपना नाम यहाँ पर देख लेना, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर देख लेना, उसके बाद मैच करवा लेना कि आपकी पे बी रैंक कितनी है और आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। कैटेगरी भी यहाँ पर शो की हुई है, ये भी आपके लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो बहुत ही लंबी सीट है, ये स्टूडेंट एलिजिबल है काउंसलिंग करवाने के लिए, ये देखिए। अब आप बोलेंगे सर हमको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया बट हमने जो कॉलेज मिला वो ज्वाइनिंग नहीं किया, तो क्या हम सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं या फिर नहीं? सो गाइज, नहीं, अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट लिया, अगर सेकंड में लेना चाहते हो, अगर आपको फर्स्ट में कॉलेज मिल गया और आपने ज्वाइनिंग नहीं ली तो आप रिजेक्ट हो, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट में पार्टिसिपेट लिया बट आपको कॉलेज नहीं मिला तो आप सेकंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, तब तो लेना ही पड़ेगा ना गाइज, ऑटोमेटिक आप सेकेंड के लिए एलिजिबल हो, आप नए कॉलेज फिलअप कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर हमने तो फर्स्ट राउंड में फॉर्म ही नहीं भरा काउंसलिंग के लिए, तो क्या डायरेक्ट हम सेकंड के लिए भर सकते हैं? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, नहीं भर सकते। जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में भाग लिया वही सेकंड में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट में नहीं भरा तो डायरेक्ट में कैसे भर सकते हो, ये भी आपका डाउट रहता है, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे सर क्या हमें दोबारा से कॉलेज भरनी होगी क्या? जी हाँ बिल्कुल, आपको दोबारा से चॉइस फिलअप करना होगा, डेट भी दे रखी है आपको 20 से 22, नई कॉलेज आपको फिलअप करनी होगी। अब आपका ये डाउट होगा क्योंकि स्टूडेंट हो, आता है डाउट, हम भी रह चुके हैं स्टूडेंट इसलिए पता है, ठीक है, रहता है आपका डाउट कि सर कौन कौन सी कॉलेज है, कैसे अरेंज करें, नंबर 1 में कौन रखे, नंबर 2 में कौन रखे, नंबर 3 में कौन सी कॉलेज रखे। गाइज ये डिपेंड करता है आपके नंबरिंग के ऊपर, आपके रैंक के ऊपर, अगर आपको आपके नंबर अच्छे खासे लग रहे हैं तो अच्छा कॉलेज फर्स्ट नंबर पर रखो, और सबसे मैं तो यही कहूँगा आप नंबर कम हो या ज़्यादा जो अच्छा कॉलेज है ना उनको नंबर 1 ही रखो, वो थोड़ा कमज़ोर कॉलेज है उसको सेकंड पे रख दो, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है उसको नीचे नीचे कर दो, सिंपल सी बात है, इसलिए तो कॉमन साइंस है क्योंकि सब अच्छा लेना चाहते हैं ना, तो उस हिसाब से आपको अरेंज करना होगा। और भी यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट है, इसको डाउनलोड कर लेना आप वेबसाइट से, या फिर हम टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर देंगे, टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता है सही, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नर्सिंग कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल DRMK Bro, ये लोगो और MKS नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है, DRMK Bro सर्च कर लेना, मिल जाएगा। सो ये लिस्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, और टाइम शेड्यूल एक बार और दिखा देते हैं आपको सेकंड राउंड के लिए गाइस,
तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, सो गाइज आज से क्या अभी से शुरू हो जाओ काउंसलिंग करवाने के लिए, क्योंकि 20 से 22 तक का टाइम है आपके पास, इसलिए तो अलर्ट हम आपसे बोल रहे हैं। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो बड़े फ़ायदे में, उनको तो सेकेंडों में इन्फॉर्मेशन मिल रही है सेकेंडों में, ठीक है। अब ये अलॉटमेंट 26 तारीख को पता लग जाएगा आपका रिजल्ट का, कि कौन सी कॉलेज आपको मिली है, ठीक है, वो आपको 26 को पता लग जाएगा। और ज्वाइनिंग का टाइम है 27 से 31, यानी कि इसी टाइम पे आपको कॉलेज जाके ज्वाइन करना है, वहाँ पे जाके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने, आपको प्रिंसिपल के यहाँ देना है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका मूल निवास जिसको डोमेस्टिक सर्टिफिकेट आप बोलते हो, TC, ठीक है, मेडिकल फिटनेस जिसको हेल्थ सर्टिफिकेट आप बोलते हो, आप बिल्कुल मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है, वो आपको देना होगा। इसके अलावा जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आप तो अपनी पूरी फाइल ले जाना, ठीक है। और वैसे आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा उसमें दे रखा होगा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये डेट आपको दे दी है। सो गाइज कौन कौन एलिजिबल है वो हमने आपको बता दिया, कहाँ पर कितनी सीटें खाली है वो मैंने आपको बता दी। सेकेंड राउंड में आपको कॉलेजें भरनी होगी, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भाग लिया वही पार्टिसिपेट ले सकता है, और सेकेंड राउंड में आपको कॉलेजें भरनी होगी आपके मार्किंग के अकॉर्डिंग। सब कुछ हमने आपको बता दिया, फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट तो कर दो कमेंट, क्योंकि हम तो तैयार है आपके कमेंट का जवाब देने के लिए, बट जवाब आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा गाइज़।